हे स्टूडेंट, वेलकम अंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। ये तो कोई एग्जाम के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर देकर के बहुत अच्छा काम किया गया है। क्यों अच्छा काम किया गया है? इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम और लेटरल सर्फेस एरिया दो चीज़ें जो होती है ना, वो उसमें फ़र्क क्या है। वॉल्यूम के बारे में भी आप जो एक्सरसाइज 11.4 में पढ़ने जा रहे हो, जैसे 11.3 में आपने क्या पढ़ा था, बाहर का सरफेस एरिया पढ़ा था, चाहे वो क्यूब का हो, क्यूबाइड का हो, है ना, या फिर हमारा सिलेंडर का हो, अपने बाहर का इलाका को पढ़ा था। लेटरल सरफेस एरिया हम किसको कहते हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये जो बाहर का एरिया होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर ऊपर से भी पैक रहेगा, नीचे से भी पैक रहेगा, और चारों साइड से तो ऐसे ये पैक है ही, तो इसको बोला जाता है, अगर हम बाहर बाहर का पूरा एरिया निकाले ना, तो उसको लेटरल सर्फेस एरिया कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, लेटर से बोल रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया। और अगर हम लोग ऊपर का एरिया और नीचे का ये जो एरिया है, इसको अगर हम लोग छोड़ दें, केवल साइड साइड का एरिया निकालें इस तरीके से, तो इसको ही लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग स्क्वायर ले लें, या फिर कोई भी क्या बोलते हैं, क्यूबाइड ले लें, जैसे ये मेरे पास क्यूबाइड है यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल में क्या होता है कि अगर हम लोग इसमें देखो, टोटल 6 फेस है, 1 फेस इधर, 2 फेस है ना, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया, और इधर 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग पूरा, अगर इसका बाहर बाहर का अगर पूरा एरिया निकालते हैं, तो इसको भी टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। और अगर साइड का, इधर का और इधर का हटा करके केवल 4 फेस का अगर हम लोग एरिया निकाले ना, इधर चारों का, तो फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको ही लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। अब इसमें आप नया चीज़, 11 पॉइंट जो हमारा 4 है, इसमें आप क्या सीखने वाले हो, वॉल्यूम सीखने वाले हो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, उसकी टोटल गहराई। गहराई मतलब इसके जो अंदर का जो पार्ट है, जैसे कि अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ यहाँ पर इरेजर को, तो ये इरेजर की जो मोटाई है ना, गहराई है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो एरिया है, इसके अंदर जो जो खाली एरिया है ना, आपको दिख रहा है ये जो खाली खाली एरिया, ये खाली एरिया कितना है, इसको इसका वॉल्यूम कहा जाता है। समझ में आया मेरी बात? जैसे कि ये हमारा जो सिलेंडर था, इसका बाहर वाला तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, अब इसके अंदर गहराई कितना है, अगर मैं पानी डालूं तो 1 लीटर पानी आएगा, है ना, 1 लीटर वाटर आएगा, या 2 लीटर वाटर आएगा, कितना आएगा, इसको ही इसका क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। समझ में, यानी कि अंदर का जो इसमें स्पेस आप कह लो, स्पेस होता है ना, तो भाई स्पेस जो है इसमें कितना है, उसको इसका वॉल्यूम कहा जाएगा। तो अब हमसे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है हमारे सामने, ठीक है, यानी कि सिलेंडर का शेप दिया गया है। तो इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, यानी कि आप कौन से सिचुएशन, यहाँ पर आपको 3 सिचुएशन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सिचुएशन ऐसा रहेगा जब आप इसका क्या करोगे, सरफेस एरिया फाइंड करोगे, और कौन सा सिचुएशन ऐसा रहेगा जब आप उसके अंदर का वॉल्यूम फाइंड करोगे। तो हम लोग रीड करके पता लगा लेते हैं, बहुत सिंपल है। पहला क्या है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी कि ये पता लगाने के लिए कि ये जो टैंक है हमारा, ये कितना पानी अपने अंदर रख सकता है, कुछ भी, मतलब यहाँ पर वाटर के वर्ड यूज़ नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर ये हमारा टैंक ही है, तो ज़्यादातर इसमें वाटर ही रखा जाता है। तो इस टैंक में कितना वाटर आ जाएगा इसके अंदर, वो कितना होल्ड कर सकता है अपने अंदर वाटर, अगर हमको ये पता लगाना है, तब हम क्या करेंगे, उसके बाहर का निकालेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो उसके अंदर का स्पेस कितना है ये निकालेंगे, अंदर का जगह कितना ये निकालेंगे, तब तो पता चलेगा कि उसमें कितना वाटर आएगा। तो अंदर के स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। यानी पहले वाले सिचुएशन के लिए हमको इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे वाले सिचुएशन में चलते हैं, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, यानी कि अगर हम इसको प्लास्टर करना चाहें, बाहर बाहर इस तरीके से प्लास्टर लगाया जाता है ना, कई बार आप देखना कि टैंक्स होते हैं उसके चारों साइड प्लास्टर लगा दिया जाता है, ताकि धूप से और भी बहुत सारी चीज़ों से वो बच सके। तो जब बाहर बाहर हम प्लास्टर लगाएंगे, तो अंदर से तो उस टाइम कुछ मतलब है नहीं हमको, अंदर की स्पेस से तो कोई मतलब है नहीं, केवल हमको उसके बाहर का अगर सर्फेस एरिया पता चल जाएगा, लेटरल सर्फेस एरिया कह लो या सर्फेस एरिया कह लो, तो जब बाहर के हमको सर्फेस एरिया पता चल जाएगा, तब हम आसानी से बता सकते हैं कि उसमें कितना सीमेंट लगेगा उसके ऊपर प्लास्टर लगाने के लिए। तो अब यहाँ पर हमको बाहर की चीजों की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कि इसमें हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। समझ में आ गया मेरी बात? यानी सेकंड जो क्वेश्चन है, जिसमें हमसे ये बोला जा रहा है कि कितने सीमेंट बैग लगेंगे उसको प्लास्टर करने के लिए, तो अगर ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो उस कंडीशन में हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, बाहर का एरिया, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, सी नंबर में, कि टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, यानी कि आपको ये बताना है कि कितने टैंक्स हम लेकर के आए हैं पानी का, ताकि इसके अंदर पूरा पानी फुल हो जाए। तो अब हमको इसके अंदर का वॉल्यूम पता होगा, जैसे कि मान लो टैंक है जो हमारा है वो 1 लीटर का है, ठीक है, जो हमारा बाहर से मिलो जो स्मॉल टैंक ला रहे हैं ना, स्मॉलर टैंक, वो 1 लीटर का है, और ये टोटल हमारा कितने लीटर का है, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो टोटल है 10 लीटर का, या फिर मान लो 5 लीटर का वॉल्यूम है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कितने टैंक लाएंगे, तो छोटे छोटे 5 टैंक लाएंगे, 1 लीटर, फिर 1 लीटर, फिर 1 लीटर, 5 बार करेंगे, तब जाकर के ये क्या होगा, फुल होगा। तो उसमें भी हमको क्या जरूरत पड़ रहा है, इसके अंदर का वॉल्यूम पता लगाने की जरूरत पड़ रहा है ना, जब वॉल्यूम पता रहेगा तभी तो हम बता पाएंगे कि टोटल कितना वहाँ पर टैंक लगेगा। यानी वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, अगर ये हमको पता चल जाए, तब हम आसानी से सकते हैं कि हम कितने छोटे छोटे टैंक्स लेकर के आएंगे, ताकि उसमें पानी भर सकें। समझ मेरी बात? तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये होता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया में फर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तरह से आप कह सकते हो कि 11.4 का ये इंट्रो है, ठीक है, उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें आपको सॉल्व करना है।
ठीक, तो यहाँ पर इंट्रो हमारा ये कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डोज में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उनको मैं आपको एकदम डिटेल में भी और कॉन्सेप्ट के साथ इजी मेथड में सॉल्व करना सिखा दूंगा। और उन वीडियोस का लिंक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर ऑल वीडियोज ऑफ चैप्टर 11 के नाम से एक लिंक दिया हुआ रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करना तो इस चैप्टर के आपको सारे वीडियोज जो है एक ही जगह पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।